लिमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लिमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आप देख रहे हैं लिमरा न्यूज़ और मैं हूं अथर काजमी, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन KGMU लखनऊ। तो हम आपकी सेहत से वाबस्ता हैं, आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें ताकि रोज़मर्रा की हर उस चीज़ तक आपको पहुंचाया जाए जिसकी आपको अशद ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अब हम बहुत सारी बातें हो गई इस बारे में, तो कैसे इससे दूर रहा जाए, कैसे इसका क्योर किया जाए, कैसे इससे बचा जाए, ये सारी चीज़ें भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो मैंने फिर रिपीट कर देता हूँ कि ख़ास तौर पर अभी बचना है कुछ महीने और बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारियां जो मैंने बताई, डायबिटीज़ है, हृदय की बीमारी है, सांस की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, कैंसर है, या जो लोग नशे के शिकार हैं, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीते हैं, इन सब लोगों को खतरा ज़्यादा है। तो ये सब खास तौर पर, और गर्भवती महिलाओं को, इन सबको खतरा ज़्यादा है। तो अभी विशेष सुरक्षा इन लोगों को बचाएं, और बाकी लोगों को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी रेजिस्टेंस अच्छा है तो कोरोना आएगा, एक टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगला निगेटिव आएगा, और एक महीने के अंदर आप फ्री हो जाएंगे। तो कितनी बढ़िया बीमारी है कि 90% गारंटी देती है कि आपको कुछ नहीं होगा, इतनी बढ़िया बीमारी है। तो डरिए मत, हाँ बचिए ज़रूर। तो डरना नहीं है, बचना है, बचना ही सबसे बड़ा उपाय है। अब हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आपको खांसी आ रही है तो एक कप सिरप ले लीजिए, आपको गले में खराश है एक एंटी एलर्जिक ले लीजिए, आपको बुखार है तो पैरास्टामोल ले लीजिए। इसके अलावा और कोई, हमारा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें और कोई दवा नहीं है। दूसरे सिस्टम की भी मैं बात करूंगा, उनका एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन दूसरे सिस्टम क्लेम करते हैं कि आपकी बॉडी रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए उनके पास कुछ दवाएं हैं। आयुर्वेद वालों के पास कुछ काढ़ा है, यूनानी वालों के पास भी कुछ है, होम्योपैथी वालों के पास भी कुछ मीठी गोलियां हैं, तो उनका भी आप सहारा लेते हैं। मैंने उनकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई बहमनस नहीं है, तो उनका भी सहारा ले सकते हैं। डूबते को तो तिनके का ही सहारा होता है, ये तो बाकायदा मैं डॉक्टर हैं, पैथी है इनकी अपनी, एस्टेब्लिश पैथी है। लेकिन मैं बताता हूँ दो चीज़ें आपको। एक तो जनरल इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, जनरल इम्यूनिटी जो फिजिकल इम्यूनिटी कहलाती है उस कैसे बढ़ाएं, और दूसरा लंग इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि असली खतरा तभी है जब ये वायरस लंग में संक्रमण कर लेते हैं। अगर नाक तक रुक गए, गले तक रुक गए तो कोई खास बात नहीं है, असली खतरा शुरू होता है जब ये फेफड़े में घर कर लेते हैं, आपके लंग्स पे अटैक कर देते हैं। तो हम दोनों इम्यूनिटी की आज बात करेंगे, एक जनरल इम्यूनिटी की बात करेंगे और लंग इम्यूनिटी। जनरल इम्यूनिटी की बात हम पहले कर लेते हैं। अब देखिए, बड़े लोगों को ये गलतफहमी है कि हम जिम में जाएंगे तो बड़े मजबूत हो जाएंगे जी। तो देखिए, जिम में जाने से बाइसेप्स हो जाएंगे, शाहरुख खान और सलमान खान की जगह आपके एब्स पड़ जाएंगे, यहाँ संजय दत्त और वो क्या नाम है उनका, और हीरो हैं उनकी तरह। लेकिन जो रोगों के प्रति लड़ने की ताकत होती है वो जिम जाने से नहीं आती है। कुछ लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन जिम जाने की, क्योंकि जिम जब आप एक्सरसाइज है, विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो टूट फूट होती है, सेलुलर एंड टिश्यू लेवल पे बहुत डैमेज होता है, आपको पता नहीं कितना डैमेज होता है, एंटी जो फ्री रेडिकल इंजरी होती है हमारे शरीर में, जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ाते हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। वो किससे बढ़ती है, आइए हम समझाते हैं। वो बढ़ती है योग करने से, वो बढ़ती है प्राणायाम करने से, वो करती है आसन करने से, वो बढ़ती है ध्यान करने से। और ध्यान करने के लिए मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ बता दूं कि जैसे ये पेन है, कुछ ना मिले आप अपने ऑफिस में ऐसे पेन पे, और ये यहाँ टिप पे थोड़ी देर ध्यान रखे रहे, यही ध्यान रखिए बस, और कोई चीज़ नहीं, एक मिनट, दो मिनट, धीरे धीरे पाँच पाँच मिनट तक आप करने लगेंगे ये ध्यान। जब आप करने, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन के साथ इम्यूनिटी बढ़ती है। और एक जैसे बता दूं मैं, आप जैसे मंदिर में जाते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं तो क्या किया आपने, योग किया। आप मस्जिद में जाते हैं पांच बार नमाज पढ़ते हैं, क्या किया आपने, योग किया आपने, आसन किया आपने। तो हमारे धर्मों में ऐसी कैसी गतिविधियां बताई गई हैं कि जिससे कि आपके जितने छोटे मोटे जोड़ हैं, आप देखिए नमाज की जो पूरी प्रक्रिया होती है तो उसको आप देखिए गौर से, और आप पाएंगे कि हर बड़े छोटे जोड़ का उसमें मूवमेंट हो जाता है। तो आप जैसे नट बोल्ट होते हैं, आप घर के चेक करते रहते हैं ना, ये बोल्ट ढीला है, ये टाइट है, कभी तेल डालते हैं कुछ, यही करना है।
हमारी ये छोटे छोटे उंगलियों के जोड़, ये रिस्ट वाले जोड़, अब ये बाबा रामदेव टीवी पे आते हैं क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करिए, फिर करते हैं ऐसे ऐसे करिए, आज सुबह 8 से 9 आजकल खूब आ रहे हैं टीवी पे, तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करिए और फिर ऐसे ऐसे करिए, तो हर जोड़ को छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको एक्टिव बनाते हैं। इसके क्या है, इससे धीरे धीरे इससे ज़्यादा इंजरी भी नहीं होती है। जब आप उसमें जिम में जाके ऐसे वर्कअप करते हैं तो बहुत सारी इंजरी होती है, आपको पता ही नहीं कितनी करोड़ों सेल्स आपकी डैमेज हो जाती हैं और पूरा दिन उनको फिर आपको हैवी खुराक लेनी पड़ती है उनको ठीक करने के लिए। तो ये तो वैसे ही हुआ कि पहले पेट्रोल डला के आग जलाइए फिर पानी डाल के बुझाइए, तो आप समझ सकते हैं। योग आसन करने से, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करने से, और आपको फिजिकल इम्यूनिटी बढ़, और किससे बढ़ती है, और बढ़ती है दोस्तों से बात करने में। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं बताता हूँ, चुटकुले सुनने में, आपको बहुत छोटा छोटा लगे डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं ऐसी बातें, आप हंसी मजाक करने में, घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठने में, उनके साथ अगर जैसे हाँ बिटिया चाय बना के लाओ और उसने आपने चाय की तारीफ कर दी, अब जितनी देर में बिटिया चाय बना के लाई आपने चाय पी तो आपका जो दिमाग है उसमें बहुत बढ़िया एक गुड फीलिंग आ रही है जी। और ये गुड फीलिंग वहाँ आप होटल में जाइए 5 सितारा में तो वो फीलिंग नहीं आ सकती है, जो आपकी बीवी ने, जो आपकी बिटिया ने, जो आपके बच्चे ने, या कभी कभी आपने खुद ने अपना, अब जैसे लॉकडाउन में थे तो मैंने कई बार लोगों को सलाह दी कि भैया बीवी से जब शादी हुई थी तब आपने बायोडाटा रिव्यू किया था, अभी दोबारा बायोडाटा रिव्यू कर लिए, बीवी को देखिए कितने तरह की रेसिपी बनानी आ गई, आपको हो सकता है 2-4 चीज़ बनानी चाहिए, आप सुनिए, हो सकता है इसी बीच आपने 20 साल हो गए शादी के, हो सकता है बीवी ने डांस करना बहुत अच्छा सीख लिया, आप देखिए क्या देखा, ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी खुशियाँ देती हैं इनसे आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है, ये नई रिसर्च कहती है, डॉक्टर सूर्यकांत आपको बता रहे हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा, हैरानी होगी। टेंशन से इम्यूनिटी घटती है, तो टेंशन मत करिए, इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप नए नए, अब जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूँ, कादमी साहब मेरी बिटिया 2 चीज़ें बना पाती थी, इंटर में वैसे पढ़ती है लेकिन बना 2 ही पाती थी, एक चाय और एक मैगी, और लॉकडाउन के दौरान वो 10 तरह के आइटम बनाना सीख गई, सोचिए, मतलब रेसिपी को भी हमारा बेटा गिटार बजाना जानता था, हमको पता ही नहीं था जी। तो एक दिन बेगम साहब ने कहा कि आपको पता है बेटा आपका गिटार बजा रहे, तो मैंने कहा गिटार है भी हमारे घर में, तो पता ही नहीं, तो वो हॉस्टल में गया पढ़ने ले गया, वहाँ सीख लिया, मतलब तो गिटार बजाना सीख वो आता था, हमने जाना। तो लोग, इस कोरोना ने आपको समय दिया है कि आप अपने फैमिली वालों को समझिए, परिवार को समझिए, उनसे प्रेम रखिए, बुजुर्गों से, हम लोग बचपन में थे दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे, एक राजा था और ये एक राजकुमारी थी, बड़ा इंटरेस्ट आता था, हमारे बच्चे जानते ही नहीं ना राजा ना राजकुमारी कैसी, पता नहीं उल्टा सीधा सब देखते रहते हैं, पता नहीं ओजमी बोजमी कौन कौन से ओजी बोजी गेम चले हैं जी। तो अभी बच्चों ने दादा दादा नाना नानी से कहानियाँ सुनना शुरू की, उनके अनुभव सुनना शुरू किए, छोटे बच्चे मजाकियाँ होते हैं कि दादाजी हाँ आपकी शादी कैसे हुई, आपने दादी को देखा था नहीं देखा था, आपका मोहब्बत तो नहीं हुई थी, इश्क तो नहीं हुआ था, आप हनीमून मनाने कहाँ गए थे, अब बताओ, हम अपने पिताजी से ऐसी बात नहीं पूछ पाए लेकिन हमारे बच्चे अपने बाबा दादी से पूछ सकते हैं जी। तो ये सब बातें हुई हैं लॉकडाउन के दौरान, कोरोना ने आपको मौका दिया, तो कोरोना से क्यों डर रहे हैं भाई, उसने इतनी अच्छी चीज़ें भी दी हैं आपको गिफ्ट में, तो इन सब चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है। और इम्यूनिटी किससे बढ़ती है, अच्छी नींद से बढ़ती है, 6 से 8 घंटा नींद बढ़ती है आपको। फल और हरी सब्जियाँ खाने से, देखिए फ्रूट्स और हरी सब्जियां, ये जितनी इम्यूनिटी आपकी बढ़ा देंगे कोई नहीं बढ़ा सकता। आप बिल्कुल गलत सोच मत रखिएगा कि आप चिकन खा लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, अंडा खा लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बहुत पनीर खा लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़, जी नहीं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है दाल से, दूध से आपकी इम्यूनिटी बढ़, जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं उनसे इम्यूनिटी बढ़ती है, उनसे क्या है आपके प्रोटीन अमाउंट बढ़ जाएगी, मसल पावर बढ़ जाएगी, लेकिन इम्यूनिटी एक दूसरी चीज़ है जी। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं पूछ रहा था यही बात कि फूडिंग की बात, खास तौर से वो जो आपने बगैर पूछे ही उसको बता दिया, लेकिन आप जी मैं उसी पे आ रहा था कि अब जो लंग्स है जो खास इफेक्टेड एरिया माना जाता है इस कोविड में। अब देखिए मानव स्वभाव है, इंसान की थोड़ी फितरत है कि खास तौर पर महिलाएं हमारी हैं, उनको जब तक थोड़ा चटपटा ना हो जाए, बच्चे हैं थोड़ा फास्ट फूड ना हो जाए, तो कोरोना ने ये भी दिया है कि जो कुछ आप बनाना है घर में बनाइए। आप सोचिए कि मैं थोड़ा ये फैट वैट कॉन्शियस हूँ, तो घर में जैसे बेगम ने टिक्की बनाई, तो मेरी टिक्की जो है वो हल्के से तेल में ऐसे करके बिना डीप फ्राई करके बन जाती है, बच्चों की थोड़ा दूसरी बन जाती है। तो ऐसे ही कुछ मॉडिफिकेशन करिए जिसमें लेस ऑयली बनाया जा सके, तो क्योंकि बाहर घूम नहीं पा रहे हैं, टहल नहीं पा रहे हैं, कैलोरी कम बढ़ रही है लोग, कई कल एक डिबेट में डॉक्टर साहब कह रहे थे मेरा तो 7 किलो वजन बढ़ गया, तो वजन मत बढ़ाइए,
खूब डांस करिए, एक्सरसाइज करिए आपस में, तो और खूब फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, वजन नहीं बढ़ेगा। और नींद, मैंने बताया जैसे अच्छी नींद, म्यूजिक सुनने से इम्यूनिटी बढ़ती है। आप अपने पसंद की गज़लें सुनिए, जो भी गज़ल आपका, गज़लकार आपका जो फेमस है, आप अपने पसंद का म्यूजिक सुनिए, आप अपने पसंद का डांस करिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। हमारे हमारे शरीर में दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, आप तो स्वयं डॉक्टर हैं रहे हैं तो आप हैं, बल्कि डॉक्टर तो एक बार हो जाता है वो हमेशा के लिए हो जाता है। देखिए मंत्री तो कभी कभी होते हैं आप, लेकिन डॉक्टर हो गए तो हमेशा के लिए रहेंगे, कभी हटते नहीं हैं, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि आपके जो मन पसंदीदा सॉन्ग्स हैं उनको सुनिए, गुनगुनाइए, खुद भी गाइए, तो दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एक स्ट्रेस हार्मोन और एक हैप्पीनेस के हार्मोन। तो जितने मैं अपनी भाषा में आनंदोमोन्स कहता हूँ, आनंद देने वाले हार्मोन्स, यानी आनंदोमोन्स, ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, डॉक्टर सूर्यकांत ऐसे हंसी मजाक में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसी हर चीज़ करिए जिसमें आनंदोमोन्स निकले जी। फिर आते हैं हम लंग की इम्यूनिटी पे, फेफड़े की इम्यूनिटी। चूँकि मैं फेफड़े का डॉक्टर हूँ, तो जब ये कोरोना शुरू हुआ मैंने कहा अरे निमोनिया, तो मैंने कहा ऐसी तरकीबें सोची जाएं, बताई जाएं पब्लिक को कि भाई लोग अक्सर पूछते थे कि डॉक्टर साहब फेफड़ा कैसे सुरक्षित रखें, नाक गले तक तो आपने कहा ठीक कोई खतरा नहीं है, लेकिन फेफड़े में फंसते ही खतरा शुरू हो जाता है, तो लंग की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो आपने देखा होगा आप घर में गंदगी हो जाती तो आप क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं, झाड़ू करते हैं, पोंछा करते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो फेफड़े का झाड़ू पोंछा किया जा सके? जी हाँ है, आप पानी उबाल के भाप लीजिए, वही तो झाड़ू पोंछा है। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि झाड़ू पोंछा क्या है, ये स्टीम इनहेलेशन क्या है, ये झाड़ू पोंछा है। आप देखिए ये आप जो कोरोना वायरस है ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे मरता है, आपका जो भाप लेते हैं वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है। तो आप आराम से छोटा भगोना लीजिए, मान लीजिए आपके पास स्टीम इनहेलर छोटा भगोना जिसमें चाय बनती है, और एक कागज को वैसे मोड़ लीजिए जैसे चने बेचने वाले मोड़ते हैं, चौड़ा हिस्सा भगोने के ऊपर, पतला ऊपर, पानी उबल के भाप निकलेगी, उसको धीरे धीरे मुंह से लीजिए और नाक से निकालिए, तो आपका फेफड़े तक सिकाई हो जाएगी, आपकी जो भाप गई है गर्म थोड़ी थोड़ी वो वहाँ अंदर जाके ठंडी होके वो पोंछा का काम भी करेगी, मतलब थोड़ा भाप गिर भी जाएगी पानी बन के, तो जो आपका झाड़ू भी लग गया पोंछा भी लग गया। और लौटने में जब नाक से छोड़ेंगे तो साइनस, थ्रोट, लैरिंग्स, फेरिंग्स और नाक तक, ये सब आपकी झाड़ू पोंछा हो जाएगा। एक तो सफाई हो गई, साफ सुथरा हो गया फेफड़ा आपका, आप बाहर से, ये अक्सर मैं कई सालों से बता रहा हूँ वायु प्रदूषण के लिए, तो पहले वायु प्रदूषण के लिए बता रहा था, अभी कोरोना के लिए बता रहा हूँ। दूसरा और कैसे, अब मैं आपको बताऊं कि 30 करोड़ छोटे छोटे फेफड़े में एल्वोलाई होते हैं, आप तो जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लंग इज कॉल्ड एल्वोलाई। अब वो छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते की तरह फेफड़े की संरचना होती है, और यहीं पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लंग से ब्लड में जाती है, हम सांस लेते हैं, हमें मालूम हम एटमॉस्फेयर से सांस लेते हैं, कोरोना को एक और थैंक्स दीजिए, उसने एयर पोल्यूशन खत्म कर दिया, अब आपको बहुत बढ़िया शुद्ध वायु मिल रही है सांस लेने की, तो फ्रेश एयर आ रही है। जब आप एक बार में सांस लेते, एक मिनट में आप करीब 15 बार सांस लेते हैं, और एक बार में आधा लीटर सांस लेते हैं, उस आधा लीटर सांस लेते हैं निकालते हैं, ये प्रक्रिया दिन भर चलती है, 24 घंटे में आपने कभी सोचा नहीं होगा 10,000 लीटर आपके फेफड़े के अंदर होके और निकल के बाहर आ जाती है, 10,000 लीटर का ब्लड सर्कुलेशन आपका फेफड़े के अंदर हो जाता है, और नेट रिजल्ट क्या होता है, 350 लीटर ऑक्सीजन आपको प्रतिदिन मिलती है, और ये ऑक्सीजन सांस आपको कहाँ से मिल रही है, ऑक्सीजन को इसीलिए प्राणवायु कहा गया है, ये मिलती है पेड़ पौधों को। आपने कभी रियलाइज नहीं किया होगा कि रोज 350 लीटर देने वाले यही बेचारे आपको जो शांत खड़े दिखते हैं, बोल नहीं पाते, आपसे कुछ कह नहीं पाते, कल्पना करिए कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तरह ये बिल सामने नीम का पेड़ का, ए मिस्टर 350 लीटर पर डे के हिसाब से मेरा पेमेंट दीजिए ऑक्सीजन का, तो क्या होगा जी। आप सोचिए अगर 60-65 वर्ष की आयु एक आदमी ने जी तो 5 करोड़ का बिल बैठता है इनका पेड़ पौधों का ऑक्सीजन का। तो भैया जब आप पेड़ पौधों के सामने निकलिए, उनको नमन करिए, सलाम करिए, नमस्ते करिए, आदाब करिए कि भैया थैंक यू कहिए, शुक्रिया आज आपने मुझे 350 लीटर ऑक्सीजन दी। तो इनका जो फेफड़े की इम्यूनिटी का दूसरा है कि 30 करोड़ जैसे मैंने बताया एल्वोलाई होते हैं, लेकिन एक तिहाई जो है बंद पड़े रहते हैं सुषुप्त अवस्था में, एक बार में मैंने कहा आधा लीटर सांस लेते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम कुछ नहीं है, इट इज़ दी एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रीदिंग। आप आधा लीटर में नॉर्मली सांस लेते हैं और प्राणायाम में क्या करते हैं, प्राणायाम में गहरी सांस लेने को बताई जाती है। तो जब गहरी सांस लेते हैं तो ये 500 ml आधा लीटर सांस न लेके आप 1.5-2 लीटर सांस लेते हैं, तो प्राणवायु ज़्यादा गई, ऑक्सीजन आपके अंदर ज़्यादा गई, और
जो आपके सुसुप्तावस्था में एल्वोलाई और फेफड़ा पड़े हुए वो फैल जाते हैं। तो जिन फेफड़े के उस हिस्से का जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए, वो भी आप काम करने लगते हैं। अरे भाई, आप जिम जाते रहे स्टेमिना बढ़ाने के लिए, कितनी छोटी सी बात है, गहरी सांस ले लो, थोड़ी देर रोक के निकाल दो, आपके फेफड़े का स्टेमिना बढ़ गया और एक पैसा नहीं लगा, ये पेड़ पौधों ने फ्री आपको ऑक्सीजन दे दी और आपने ले लिया और निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड आपने जो निकाली वो उनके काम आ जाती है फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, वक्त ज़्यादा नहीं था, आखिर में एक सवाल जो है लोगों के लिए, जो लोग वर्कआउट करते हैं या जो जॉगिंग करते हैं सुबह सुबह, तो अभी जो माहौल है उसके एतबार से बुजुर्गों को क्या इस तरीके से अभी बाहर जाकर? बिल्कुल नहीं, बहुत बिग नो, मेरा बिग नो है, बिल्कुल नहीं निकलना है बुजुर्गों, तो बिल्कुल नहीं निकलना है। हाँ, यंग लोग निकल सकते हैं, मास्क लगा के निकलें, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें और लाइट वॉक यही करें। अभी बहुत ज़्यादा विग्रस गहरी जॉगिंग या रनिंग ये अभी एडवाइजेबल नहीं है। देखिए, कोरोना से डरना नहीं है, बचना लेकिन बहुत ज़रूरी है। बचते रहिए, अनुशासित रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और मास्क लगाते रहिए, मिलने पर दूर से नमस्ते कर लीजिए, अब सबको पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है, और बीमार लोगों का, चाहे वो डायबिटीज से लेके कैंसर या जो और बीमार लोग हैं, बच्चों का, बुजुर्गों का और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और इस गुफ्तगू को मैं समझता हूँ कि सारे दर्शकों के लिए भी बहुत फायदेमंद। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से इस हर एक बीमारी और इस वबा को इंसान अपने लिए दुश्वारी तलाशता है, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत साहब ने जिस तरीके से इसको भी इंसान के लिए एक ऐसी चीज़ बना दी कि वो उससे भी आप अपने ज़िंदगी के वो खुशगवार पल भी इकट्ठे कर सकते हैं, कि जैसे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोरोना भी शायद ये आपकी ज़िंदगी के इन पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ है। आप बाहर निकलें लेकिन डॉक्टर साहब के बताए हुए नुस्खे पे अमल करते रहें, अपनी खुशगवार ज़िंदगी के साथ सेहतमंद ज़िंदगी का भी महासल रखें। अपने मेज़बान अथर काज़मी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हम किसी और प्रोग्राम के ज़रिए आपसे फिर रूबरू होंगे।